दोस्तों, अगर आप भी अपने व्हाट्सएप को दो डिवाइस के अंदर यूज करना चाहते हैं, चाहे आपका लैपटॉप पीसी से हो चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, तो दोस्तों आप अपने एक अकाउंट को दो मोबाइल फ़ोन के अंदर कैसे यूज कर सकते हो। दोस्तों, आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को जिस भी मोबाइल फ़ोन के अंदर यूज करना चाहते हैं तो आपको उसके क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। अगर आप लैपटॉप पीसी में यूज करना चाहते हैं तो आपको उसका भी क्रोम ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, मेरा यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है व्हाट्सएप वेब। तो दोस्तों, चलिए हम सर्च कर लेते हैं व्हाट्सएप वेब। तो दोस्तों, आपको यह सर्च कर लेना है अपने लैपटॉप या अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, जिसमें भी आप अपने व्हाट्सएप को लॉगिन करना चाहते हैं दूसरे मोबाइल फ़ोन के अंदर। सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट ले रहा है, अभी मेरा नेट स्लो है दोस्तों। तो यहाँ पर हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर एक QR कोड आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का QR कोड नज़र आएगा। तो आपको यह QR कोड उस व्हाट्सएप अकाउंट से स्कैन करना है जो व्हाट्सएप अकाउंट आप इस फ़ोन के अंदर लॉगिन करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाता हूँ, तो मैं अपने व्हाट्सएप में आ चुका हूँ। मान लीजिए मैं इसी अकाउंट को वहाँ पर ओपन करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर व्हाट्सएप में आने के बाद 3 डॉट पर जाना है। इसके बाद यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हो, लिंकड डिवाइस, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो लिंक ए डिवाइस, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, चलिए मैं क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर दे रहा है यूज मोबाइल डाटा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये यूज मोबाइल डाटा जो दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपने अगर कोई फिंगर लॉक लगाया है तो आप इसको दे सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर नीचे ओके का एक ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ से इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों, जिस फ़ोन के अंदर आपने वो वेबसाइट ओपन किया है व्हाट्सएप वेब, तो वहाँ से उस QR कोड को आपको स्कैन कर लेना है, तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट उस फ़ोन के अंदर भी लॉगिन हो जाएगा। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस ओके वाले बटन पर क्लिक किया, तो यहाँ पर ये दे रहा है कि स्कैन करने के लिए QR कोड यहाँ पर मांग रहा है। तो दोस्तों, आपको वहाँ पर वो QR कोड स्कैन कर लेना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।